नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ धवल पटेल, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर एंड माई मोबाइल नंबर इज 9428683291। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए। मैंने जो लास्ट वीक में प्रिडिक्शन किया हुआ था तो उसके हिसाब से क्या हुआ और नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू रहेगा और शॉर्ट टर्म नेक्स्ट वीक के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टॉक्स कौन कौन से ले सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को टीचर्स डे की शुभकामना। तो लास्ट वीक में मैंने प्रिडिक्शंस किया हुआ था और या आप ये फेसबुक ग्रुप्स में आप देख सकते हो रॉबिनहुड स्टॉक्स, जीरोधा ट्रेडर्स, शेयर मार्केट ट्रिप्स एंड शेयर मार्केट जैकपॉट, सभी में मैंने अब मेरा जो भी व्यूज है वो यहाँ रखा हुआ था, वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे यहाँ मैंने क्लियर कट बोला हुआ था 29 अगस्त को, आप देख सकते हो 29 अगस्त का व्यू क्या मैंने बोला हुआ था। 29 अगस्त को क्लियर कट बोला हुआ था कि मार्केट रिवर्सल आफ्टर 3rd September, ठीक है, मार्केट रिवर्सल कब होगा। तो मैंने 29 अगस्त को ही बोला हुआ था कि 3 सितंबर के बाद मार्केट में एक रिवर्सल होगा और आप देख सकते हो कि 3 सितंबर के बाद मार्केट में मोर देन 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट, डाउनवर्ड में मूवमेंट्स हुई। ठीक है, ये होता है एस्ट्रो टेक्निकल का बेनिफिट्स। ठीक है, बाइंग प्रेशर इन टेलीकम्युनिकेशन एंड एविएशन सेक्टर। तो आप 1 सितंबर से 22 सितंबर में आपको बाइंग प्रेशर दिखने को मिलेगा टेलीकम्युनिकेशन एंड एविएशन सेक्टर में। तो आप देख सकते हो यहाँ भारतीय एयरटेल में एक 518 से लेके 556 तक के बढ़िया मूवमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, आइडिया में भी आप देख सकते हो करीबन 8 रुपीज़ से करीबन 13.5 रुपीज़ गया हुआ है। एविएशन सेक्टर में भी आप देख सकते हो 1 सितंबर के बाद क्या बढ़िया मूवमेंट्स मिली हुई है, करीबन 1190 से लेके 1310। और स्पाइस जेट में भी आप देख सकते हो 1 तारीख के बाद एक बढ़िया मूवमेंट अपवर्ड में 56.5 तक गया हुआ है। ये हो गया क्लियर कट। यहाँ बोला हुआ था 29 अगस्त को ही मैंने बोला हुआ था कि मार्केट रिवर्सल, लोग कई दिनों से बोल रहे थे, 15-20 दिनों पहले ही बोल रहे थे कि मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा। मगर अगर आप एस्ट्रोनॉन हो तो आपको सही टाइम पे एंट्री एंड एग्जिट मिल सकती है। ठीक है, ये होती है एक एग्जांपल के जरिए हमने देखा कि क्या होता है। ठीक है, और एक हमने लास्ट वीक का प्रेडिक्शंस भी यहाँ रखा हुआ था तो वो भी आप देख सकते हो। 30 अगस्त को ही हमने नेक्स्ट वीक के लिए 31 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक का प्रेडिक्शन हमने यहाँ दिया हुआ था। ठीक है, 30 अगस्त को ही, तो वो प्रेडिक्शन के हिसाब से एज पर केपी के हिसाब से हमने प्रेडिक्शंस किया हुआ था, वो कितना एक्यूरेट है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। 31 अगस्त को हम का प्रिडिक्शन हमने किया था 9:15 to 9:30 को अपवर्ड्स मूवमेंट रहेगी, 9:30 से 11 में डाउनवर्ड बाइस, मगर डाउनवर्ड साइड्स 11:15 से 1:30 के बीच में डाउनवर्ड्स मूवमेंट एंड 1:30 से 3:30 में बाय एंड डिप्स मिला हुआ। 1 सितंबर का प्रिडिक्शन हमने किया था 9:30 to 9:40 अपवर्ड, 9:40 to 11:40 स्लो डाउन मूवमेंट्स एंड 11:40 to 1 डाउनवर्ड कंटिन्यू फास्टर एंड 2 से 3:30 में कंसोलिडेटेड टू फॉल। ठीक है, एंड 2 सितंबर की बात करें तो 9:40 से 11:40 में सेलोन राइज बोला हुआ था, 11:40 से 2 के बीच में अपवर्ड्स मूवमेंट्स बोली हुई थी,
दो से तीन के बीच में टू वे, और 3 से 3.5 में अपवर्ड मूवमेंट बोला हुआ था। 30 सितंबर का हमने प्रोडिक्शंस किया हुआ था 9:40 to 11, डाउनवर्ड्स 11 to 12:30, अपवर्ड्स 12:30 to 30:30, सेल ऑन राइज। एंड 4 सितंबर की बात करें तो 9:40 to 3:30 के बीच में सेल ऑन राइज बोला हुआ था, 10:30 to 1:30 अपवर्ड, एंड 1:30 to 3 सेल ऑन राइज बोला हुआ था, ठीक है, एंड 3 to 3:30 अपवर्ड। ये ग्रुप में ऑलरेडी 30 अगस्त को हमने डाला हुआ था, वहाँ से आप देख सकते हो, और बाकी के ग्रुप्स में भी ऑलरेडी जीरोधा ट्रेडर्स ग्रुप में भी यहाँ डाला हुआ है, तो यहाँ से भी आप प्रेडिक्शंस देख सकते हो। सॉरी, जीरोधा ट्रेडर्स में भी ऑलरेडी हमने यहाँ डाला हुआ था 29 अगस्त, वो भी आप देख सकते हो, 30 अगस्त को ये भी आप देख सकते हो, जीरोधा ट्रेडर्स ग्रुप में भी हमने यहाँ हमारा पूरा प्रेडिक्शंस डाला हुआ। तो मार्केट ने क्या मूवमेंट्स दी वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमारा प्रेडिक्शन था कि 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त को 9:40 to 1:20 हमारा जो 9:15 to 9:30 अपवर्ड का था, तो वह अपवर्ड सिनेरियो भी मिला। 9:40 के बाद एग्जैक्ट हमने बोला होता है 1:20 तक सेल ऑन राइज है, और मार्केट ने बैंक निफ्टी स्पॉट की बात करें 24,927 से लेके करीबन 23,715, आप देख सकते हो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस एंड सब रेजिस्टेंस था करीबन 24,927, वहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया और बॉटम में 23,715, ठीक है, अप्रोक्स 300 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको मिली। बाद में 120 के बाद 120 से 3 के बीच में एक अपवर्ड्स मूवमेंट थी, मगर मार्केट ने वहाँ का वहाँ नैरो रेंज में कंसोलिडेटेड किया, ठीक है। अब बात करते हैं 1 सितंबर का हमारा प्रिडिक्शन था कि 9:15 to 9:30 अपवर्ड से आप देख सकते हो एक बढ़िया मूवमेंट 23,600 से 24,200, यानी अप्रोक्स आप देख सकते हो 800 पॉइंट्स की मूवमेंट वहाँ मिली हुई, ठीक है। बाद में 9:40 से 11:40 के बीच में सेल ऑन राइज था, तो एक सेल ऑन राइज आप देख सकते हो पिवट पॉइंट इज अंडर, वहाँ से मार्केट 24,092 से लेके 23,500, फिर से 500 पॉइंट्स की मूवमेंट वहाँ मिली हुई है, ठीक है। थर्ड टाइम स्लॉट हमारा रॉन्ग हुआ था, और लास्ट टाइम स्लॉट जो था 2 से 3.5 बायोन डिप्स, वहाँ 23,700 से 23,900 की मूवमेंट्स वहाँ मिली हुई थी। 2 सितंबर की बात करें तो 2 सितंबर को भी 9:40 से 11 के बीच में सेल ऑन राइज था, तो मार्केट आप देख सकते हो 23,800 से 23,500, 300 पॉइंट्स की डाउनवर्ड में करेक्शन मिला हुआ। 11 से 2 के बीच में बायोन डिप्स था, वहाँ भी 23,561 से लेके 23,720 तक मिला हुआ था, और लास्ट में 2 से 3 में टू वे डायरेक्शंस था, ठीक, और 3 से 3.5 के बीच में एक अपवर्ड मूवमेंट था, तो वहाँ भी एक अपवर्ड मूवमेंट मिला हुआ। 3 सितंबर की बात करें तो 3 सितंबर को 9:40 से 11:20 के बीच में डाउनवर्ड था, तो वहाँ भी डाउनवर्ड करेक्शन हुआ था 23,850 से 23,760। सेकंड टाइम स्लॉट हमारा रॉन्ग हुआ था, और लास्ट टाइम स्लॉट 12:20 to 3:30 के बीच में डाउनवर्ड मूवमेंट था, वहाँ भी 23,650 से 23,480 मिला हुआ। 4 सितंबर की बात करें तो 4 सितंबर को एक बढ़िया मूवमेंट हुई थी, हमारा डाउनवर्ड था, 10:20 तक हम सेल ऑन राइज थे, तो वहाँ भी 23,510 से लेके आप देख सकते हो पिवट पॉइंट एज ए स्टैंडर्ड के नीचे ही मार्केट रहा हुआ है, और हमारा सेल ऑन राइज था अप टू 10:20, तो 23,510 से लेके 22,950 ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की मूवमेंट डाउनवर्ड में आपको मिली हुई। सेकेंड टाइम स्लॉट 10:20 to 11:40 वहाँ अपवर्ड था, मगर फ्लैट रहा मार्केट। 12:20 to 3 के बीच में सेल ऑन राइज था, वहाँ भी आपको 23,200 से लेके 22,900 यानी 300 पॉइंट्स की मूवमेंट वहाँ भी मिली। अप्रॉक्स 70 to 80% हमारा एज पर केपी के हिसाब से मार्केट चला हुआ है, ठीक है। ये होता है
अगर एस के पी नॉन हो, एस्ट्रोलॉजी नॉन हो, तो क्या मूवमेंट्स मिल सकती है। ठीक, ये हो गई बात पर्टिकुलर लास्ट वीक की। क्या अब नेक्स्ट वीक के लिए एज पर के पी के हिसाब से मार्केट में क्या होगा, ठीक है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे के पी के जरिए। तो सेवन सेवन सितंबर की बात करें तो सेवन सितंबर को एक आपको शॉर्ट टर्म स्लैब देता हूँ कि 11 से 1 के बीच में आपको एक डाउनवर्ड करेक्शन दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा वो समझने की कोशिश करिए। हमारा केपी का थंब रूल जो है हमेशा याद रखा कीजिए, 1812। केपी का हमारा थंब रूल है हमेशा याद रखिएगा कि 2 7 10 11, 2 7 11 इज अ पॉजिटिव सिनारियो एंड 1 8 12 इज अ नेगेटिव सिनारियो। ठीक है, 11 से 1 के बीच में आपको एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिलेगी और 8 सितंबर की बात करें तो 8 सितंबर को आपको एक 9:15 to 12:20 के बीच में एक अपवर्ड सिनारियो देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि मून के नीचे का जो सब लॉर्ड्स है वो सन है, सन इज एग्रेसिव और 11th हाउस में पड़ा है, 7:11 के पॉजिटिव सिनारियो है। ठीक है, बाद में 9 सितंबर को 9:15 to 1 के एक मजे के में बायोनडिप्स स्ट्रेजेटी और 10 सितंबर की बात करें तो 9:15 से लेके 10:40 के बीच में आपको एक नेगेटिव सिनारियो दिखाई मिलेगा और 11 सितंबर की बात करें तो 9:15 to 11 के बीच में एक नेगेटिव सिनारियो और 11:40 to 1:40 के बीच में आपको एक बायोन डिप्स दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गई बात पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक में एज पर के पी के हिसाब से क्या सिनेरियो रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो स्टॉक्स के बारे में नेक्स्ट वीक में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में आप एक बढ़िया मूवमेंट देख सकते हो। जील एंड पीवीआर में आप एक बढ़िया मूवमेंट्स देख सकते हो। 8 सितंबर, 9 सितंबर एंड 10 सितंबर को मर्क्यूरी का पॉजिटिव एस्पेक्ट हो रहा है तो पीवीआर एंड जील में आप अपवर्ड करेक्शन देख सकते हो। ठीक है, ये हो गई बात शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए सीमेंट, इंफ्रा, मीडिया एंड एग्रीकल्चर एंड मेटल सेक्टर में 30 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपको एक बढ़िया बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। तो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है करेंसी पे, करेंसी का भी एक टूल हमने लॉन्च किया हुआ है, वो सेम आपको 7800 में मिलेगा और बाकी इंडेक्स, एफएनओ इंडेक्स, इक्विटी स्टॉक्स एंड एमसीएक्स में भी आप बाय एंड सेल वाला जो हमारा टूल है वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। और नेक्स्ट कुछ दिनों में हम यहाँ आपको मार्केट का व्यू ब्लॉग में देते रहेंगे और यहाँ हमारी सर्विस का क्या बेनिफिट्स है वो यहाँ लोगों के फीडबैक्स के जरिए आप जान सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये टूल की एक्यूरेसी क्या है, तो टूल की एक्यूरेसी आप देख सकते हो यहाँ से भी। जैसे निफ्टी का है अगस्त मंथ की क्या एक्यूरेसी है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देख सकते हो क्या रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। ठीक है, ये 4 अगस्त को 2:20 को सिग्नल जनरेट हुआ था और क्या टारगेट अचीव हुए थे। ठीक है, यहाँ आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देख सकते हो 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से लॉन्ग में, और शॉर्ट में क्या क्या सिग्नल जनरेट हुए थे और क्या क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है अब वो ये टूल की एक्यूरेसी आपको आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, पूरे अगस्त मंथ का व्यू आपके स्क्रीन के सामने। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के भी आप देख सकते हो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट
एज पर 5 मिनट की कैंडल फ्लेम के हिसाब से क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। ठीक है, कौन सी डेट को कौन से टाइम पे सिग्नल जनरेट हुआ था, क्या टारगेट्स अचीव हुए थे, क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला वो आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, और या सेम वंस बैंक निफ्टी में शॉर्ट में भी क्या सिग्नल जनरेट हुए थे और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मिला है, ये टूल की एक्यूरेसी क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिल्वर में भी शॉर्ट में क्या सिग्नल जनरेट हुए थे और क्या आरओआई मिल रहा है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। और जो बाय सिग्नल जनरेट हुए थे लॉन्ग के लिए उसमें भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप एक बढ़िया इन्वेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको अगर ये टूल बाय करते हो सकता है। और आज के टीचर डे पे आप मैं कुछ आपको कहना चाहूँगा कि हमेशा अगर ट्रेडिंग आर्ट को सही में अपनाना है तो तीन चीज़ें पे डिसिप्लिन रखा कीजिए, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग पावर एंड नॉलेज। डिसिप्लिन हमेशा ऐसी रखिए कि मेरे को अगर दिन के अगर मैं 1 लाख का इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन 10% या मोर देन 15% मिल रहा है तो मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा 1 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए, जो भी आपके टारगेट्स हैं वो फिक्स रहने चाहिए और डिसिप्लिन मैनर में काम करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर बाय गॉड गिफ्ट होता है। अगर आपका सन हॉरोस्कोप के हिसाब से 1/12 के नेगेटिव कॉम्बिनेशन दे रहा है तो आप चाहते हुए भी ट्रेडिंग में बेनिफिट्स नहीं ले सकते। तो ट्रेडिंग डिसीजन मेकिंग पावर आप सन से इम्प्रूव कर सकते हो ओम ह्रीम सिम सूर्याय नमः का चैंटिंग करके। और नॉलेज कई सारे यूट्यूबर्स हैं, कई सारे ट्रेनर्स हैं, वहाँ से आप गेन करके नॉलेज पे पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर समझना है तो दोबारा थिंक कीजिए, वॉच कीजिए एंड देन ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।